गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वीडियो तो ऑन होगा ना कुछ लोगों का? प्लीज कीप योर वीडियो ऑन। नाउ टेल मी बेटा, विच टॉपिक वी कंप्लीटेड इन लास्ट लेक्चर? Which topic we completed? Reaction with silver cyanide. Which one? Reaction with potassium nitrite last tha topic. Potassium nitrite, na? Yes. Just wait. कितने रिएक्शन हो गए न्यूक्लियोफिलिक के टोटल? आज ओनली कृतिका ही वीडियो ऑन करेगी, बाकी नहीं करेंगे। संजना, रीता, अदर्स, आदित्य, हर्ष, अंकुश, स्नेहल आज लेक्चर अटेंड कर रही है क्या? ठीक। तो केमिकल अपना हम स्टार्ट किए थे बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने स्टार्ट किया था। यू नो स्टूडेंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन व्हिच वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने बेटा फर्स्ट रिएक्शन चेक कर लो एक बार। हमने फर्स्ट किया था रिएक्शन विद एक्वस KOH और एक्वस NaOH, जहां पे हैलाइड इज रिप्लेस बाय OH, तो हमें अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बना था। सेकेंड हमने लिया था बेटा बाय यूजिंग द सोडियम अल्कोक्साइड, तो वहां पे हैलोजन्स इज रिप्लेस्ड बाय अल्कोक्सी ग्रुप, वहां पे आपको ईथर मिला था। अच्छा, उसका एक नेम रिएक्शन भी है, उसमें आप स्पेस है तो लिख लो, सोडियम अल्कोक्साइड वाला सेकेंड रिएक्शन, उसको हम विलियमसन्स रिएक्शन भी कहते हैं। विलियमसन्स रिएक्शन, ईथर चैप्टर पे जाओगे तो नाम आएगा उसका। ये सेकेंड मेथड था। थर्ड रिएक्शन था रिएक्शन विथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप, वहां पे आपको एस्टर मिला होगा। फिर था रिएक्शन विद अल्कोहलिक एक्सेस ऑफ अमोनिया, जिसमें एक्स इज रिप्लेस्ड बाय द व्हाट अमीनो ग्रुप, वहां पे आपको मिला होगा प्राइमरी अमाइन अल्काइल अमाइन। फिर आपने लिया होगा रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, वहां पे एक्स इज रिप्लेस्ड बाय द साइनाइड ग्रुप, तो वहां पे मिला होगा आपको अल्काइल हैलाइड टू अल्काइल साइनाइड। नेक्स्ट उसके बाद आपने किया होगा बेटा विद सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड में अल्काइल हैलाइड जो है हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय द आइसोसाइनाइड ग्रुप, क्योंकि सिल्वर साइनाइड कोवेलेंट कंपाउंड था, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण दैट बिकम न्यूक्लियोफाइल, जो अटैचमेंट थ्रू कार्बन ना होके अटैचमेंट थ्रू नाइट्रोजन था, तो दैट इज द अल्काइल आइसोसाइनाइड। फिर उसके बाद आपका आया रिएक्शन विद पोटेशियम नाइट्राइड, इसमें आपको मिला क्या अल्काइल नाइट्राइड, फॉर्मूला है RONO, राइट। अब इसके बाद है लिखो रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइड, तो 8th रिएक्शन बेटा,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का लास्ट रिएक्शन रिएक्शन विथ विथ सिल्वर नाइट्राइट AgON double bond O silver nitrite. चलिए स्टेटमेंट लिखिए. अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्राइट रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्राइट टू फॉर्म नाइट्रो अल्केन टू फॉर्म नाइट्रो अल्केन जनरल रिएक्शन आर एक्स प्लस सिल्वर नाइट्राइट आप डायरेक्ट AgO एंड डबल बॉन्ड O लिखो चाहे सिल्वर AgNO2 भी लिख सकते हो. तो X इज रिप्लेस बाय नाइट्रो ग्रुप क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट जो होगा बेटा नाइट्रोजन के थ्रू होगा तो आपको मिलेगा RNO2 डायरेक्ट RNO2 लिखो चाहे आपके देखो टेक्स्ट बुक में लिखा होगा NO2 का स्ट्रक्चर आपको मालूम है एंड डबल बॉन्ड O O माइनस तो बोथ आर सेम तो दोनों में से चाहे जैसा लिखो बोथ आर करेक्ट आर एनओ टू एंड प्लस बाय प्रोडक्ट इज सिल्वर हैलाइड तो दिस इज स्टूडेंट नाइट्रो अल्केन दिस इज योर अल्काइल हैलाइड ये था आपका जनरल रिएक्शन. चलिए इसके बेस पे एक एग्जांपल कर लो बेटा इथाइल ब्रोमाइड आईपीएसी नेम लिखना चाहते हो तो आईपीएसी लिख लो ब्रोमो इथेन टू नाइट्रो इथेन. चलिए रिएक्शन खुद से करिए. डन बेटा. ओके चलिए इसके बाद क्या टॉपिक है बोलोगे. टॉपिक क्या है. अब स्टेशनरी शॉप बेटा ओपन हो गई है तो टेक्स्ट बुक प्लीज खरीद लो. सो मैकेनिज्म ऑफ SN रिएक्शन SN SN मतलब बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हम रिएक्शन किए हैं उसी का मैकेनिज्म करना है. तो मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ
एस एन दिया आपके बुक में, एस एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एस एन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। यहाँ पे बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, यहां से दो क्वेश्चंस, दो मैकेनिज्म है, एक एस एन वन और एक एस एन टू। मतलब अगर चैप्टर की बात करें, कोई बोले हैलोजन डेरिवेटिव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो बोलते हैं भाई एस एन वन एस एन टू थोड़ा रेडी कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, चार मार्क का क्वेश्चन आता है आपको, एक एस एन वन है और एक एस एन टू है, दोनों में से कोई भी एक आता है। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके आंसर कैसे पूरा लिखेंगे चार मार्क के लिए वो मैं सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले तो मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब बेटा कोई भी काम पूरा करने के लिए जितने भी स्टेप्स में आप वर्क करते हो, दैट इज योर मैकेनिज्म। नहाने जा रहे हो, बाल्टी लिया, बाल्टी में पानी भरा, पानी अपने ऊपर पोर किया, साबुन लगाया, सब दैट ऑल इज अबाउट वर्किंग ऑफ व्हाट योर बाथ। तो सब बेटा जो मैकेनिज्म मतलब द टू कंप्लीट एनी प्रोसेस, नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व टू कंप्लीट एनी प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म। कोई भी प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो भी स्टेप्स में वर्क करते हो, दैट इज कॉल्ड एज योर मैकेनिज्म। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पे होता है क्या बेटा, एक कार्बन हैलोजन बॉन्ड है अल्काइल हैलाइड में, वहां पे किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ किसी मैकेनिज्म किसी रिएजेंट के साथ आप रिएक्शन करते हो, तो होता क्या है, ऐसे कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है मुझे बताओगे, हैलोजन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, एक्स बॉन्ड, यस, कार्बन हैलोजन बॉन्ड, ए वाला बॉन्ड जो होता है ब्रेक होता है, और उस एक्स के जगह पे अगर हम KOH के साथ रिएक्शन करें तो मिलता है क्या अपने को बेटा, OH, तो कार्बन OH बॉन्ड फॉर्म होता है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, इसमें वी हैव टू डिस्कस The breaking of old bond. Old bond क्या बेटा, कार्बन हैलोजन बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन OH बॉन्ड। हमें यहाँ पे यही डिस्कस करना है कैसे एक ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक न्यू बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ। तो केमिकल रिएक्शन में दो ही स्टेप का वर्क होता है, एक जो होता है बेटा आपका बॉन्ड ब्रेक होता है और दूसरा नया बॉन्ड फॉर्म होता है। दिस इज द केमिकल रिएक्शन, न्यू बॉन्ड विल फॉर्म, ओल्ड बॉन्ड विल बी ब्रेक, दिस इज योर मैकेनिज्म। तो अब हमें इसको अच्छे से समझना है कि है क्या। अब देखो होता है क्या बेटा, जब इसके हम मैकेनिज्म पे जाते हैं तो दो पॉइंट आता है, एक एस एन वन और एक एस एन टू। वन मतलब यूनिमोलिकुलर, टू मतलब होता है बायोमोलिकुलर, मतलब जिसमें दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला हमें देखना है कि यार ये ब्रेक होता है OH अटैक कैसे करता है। तो इसका टोटल तीन वे है। फर्स्ट वे क्या हो सकता है, एक कार्बन है, यहाँ पे हैलोजन है, हैलोजन पे निगेटिव चार्ज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अपने साइड में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। दूसरा क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव आ जाता है।
अब क्या बोलता है, जो OH है ये OH उसके ऊपर अगर अटैक कर लिया, क्योंकि ये निगेटिव ग्रुप है और ये पॉजिटिव ग्रुप है, अटैक कर लिया तो एक तो ये ऑप्शन है, तो होता है क्या बना यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे एक हैलोजन पहले से ही था और एक दूसरा OH आ गया, एक ये पॉसिबिलिटीज है। बट ये तो रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, पांच, फाइव वैलेंसी हो गई। तो एक ये जो तरीका था बेटा ये तो रॉन्ग हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या ऑप्शन है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड है जिसके ऊपर हमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है, तो क्या बोला है बेटा, पहले बॉन्ड ब्रेक हो जाए, बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो क्या मिलना चाहिए आपको, कार्बोकेटायन, कार्बन पे प्लस आएगा और एक्स पे माइनस। फिर जैसे ही कार्बन पे बेटा एक्स माइनस हो गया, जो न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो जाता है बेटा उसको हम बोलते हैं एलन, लिविंग न्यूक्लियोफाइल। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, इस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये बन जाता है अपना बेटा क्या, प्रोडक्ट। मतलब दो स्टेप में काम हो रहा है, फर्स्ट में कार्बोकेटायन बन रहा है और बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। बट ये कभी पॉसिबल है जब कार्बोकेटायन स्टेबल हो। मुझे बताओगे कार्बोकेटायन में विच इज मोर स्टेबल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तीन टाइप के कार्बोकेटायन होते हैं। टर्शियरी कार्बोकेटायन मतलब टर्शियरी कार्बन पे पॉजिटिव, सेकेंडरी कार्बन मतलब सेकेंडरी कार्बन पे पॉजिटिव, प्राइमरी कार्बन मतलब प्राइमरी पॉजिटिव। तो उन तीनों में बच्चा कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, टर्शियरी कार्बोकेटायन इज द व्हाट, मोस्ट स्टेबल, वेरी गुड। ये तो तभी ऑप्शन है जब ही टर्शियरी कार्बोकेटायन हो, जब आपको टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो तो टर्शियरी कार्बोकेटायन देगा, तब ये जो रिएक्शन इन्वॉल्व होता है बेटा वो कितने स्टेप में इन्वॉल्व हो रहा है, टू स्टेप में। जो टू स्टेप में होता है उसको हम बोलते हैं SN1। ये याद रखने वाली चीज है, बाद में भी मैं लिखा रहा हूं, पहले समझ। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड, इसके ऊपर आपको न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बॉन्ड क्या धीरे धीरे बेटा ब्रेक होता है, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटायन अगर रहेगा तो मोर स्टेबल तो है नहीं, तुरंत इस कार्बोकेटायन तो देगा नहीं। ये क्या बोल रहा है, एक कार्बन हैलोजन बॉन्ड धीरे धीरे कमजोर होता जाए, ब्रेक हो और उसके बाद उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। मतलब यहाँ पे ब्रेकिंग और अटैकिंग दोनों एक साथ हो रहा। पहले क्या था, हमने डायरेक्ट अटैक किया, वो तो रॉन्ग हो गया क्योंकि पांच वैलेंसी बन गया। दूसरा हमने क्या किया, पहले कार्बोकेटायन बना लिया क्योंकि स्टेबल है और बाद में हमने न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। थर्ड में क्या कर रहा हूं, एक ही स्टेप में ब्रेकिंग भी कर रहा हूं और न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, धीरे धीरे बॉन्ड कमजोर हो रहा है और धीरे धीरे अटैक करेगा तो स्ट्रॉन्ग होगा, प्लस बाय प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्शन हुआ वो कितने स्टेप का हुआ बेटा, वन स्टेप का। तो जो वन स्टेप का होता है उसको हम बोलते हैं SN2। होप यू ऑल अंडरस्टूड, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कभी आपको बाद में समझ सकते हो कि ये क्या है, क्यों सर ने SN1 क्या बताया, SN2 क्या बताया, न्यूक्लियोफाइल कैसे, ये नोट्स में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उधर पेज मत भरो। डन, डन, यस सर। तो तीन वे होता है, आप अच्छे से समझ लो।
अब ये तो पहला ही इग्नोर हो गया, बचा यही दो। तो एक जहां पे ब्रेकिंग अटैकिंग दोनों एक साथ होता हो बेटा, हो वन स्टेप है, वो तभी पॉसिबल है जहां पे कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं हो। अगर स्टेबल रहेगा तो पहले कार्बोकेटायन बनेगा एंड देन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो अगर दो स्टेप में हो रहा है तो समझ जाओ दैट इज द एसएन वन, और वन स्टेप में हो रहा है इट मींस इट इज अ व्हाट एसएन टू। डन, सब कर दे इसको अभी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है बेटा, दे आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज एसएन टू मैकेनिज्म वेयर एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, टू ऐसे लिख सकते हो मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रवीण प्लीज फ्रेंड म्यूट योरसेल्फ। गलती से अगर किसी का अनम्यूट रह गया तो म्यूट करो। And SN2 जो होगा बेटा इट गिव द प्रिफरेंस टू, क्योंकि ये टर्शियरी को प्रेफर नहीं करता है, ये वन स्टेप वाला है। दिस इज वन स्टेप मैकेनिज्म, ये प्रिफरेंस किसको देता है बेटा, प्राइमरी को, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। तो फॉर SN2 मिथाइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव then primary, then secondary and then tertiary, सबसे least tertiary इसमें होगा SN2। और you know tertiary more stable है, तो दो step में होगा, पहले carbocation बनेगा फिर nucleophile हो SN1 होगा। तो second होता है बेटा SN1 mechanism, उसके लिए लिख लो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो होता है बेटा कितने स्टेप्स का होता है, टू स्टेप। इसमें सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव टर्शियरी, क्योंकि पहले कार्बोकेटायन बनेगा, स्टेबल है, तो जो भी स्टेबल कार्बोकेटायन देता है वो याद रखो एसएन वन देगा, दो स्टेप का मैकेनिज्म देगा। तो टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, प्राइमरी मतलब मिथाइल तक, मिथाइल हैलाइड जो होता है वो सुपर प्राइमरी होता है, सुपर प्राइमरी, क्योंकि एक कार्बन किसी अनदर कार्बन से नहीं है, सिंगल कार्बन ही है, तो दैट्स व्हाई इट इज द सुपर प्राइमरी। इसका एग्जांपल इथाइल, सेकेंडरी का एग्जांपल आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी का एग्जांपल टर्बुटाइल। अब यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा, चार मार्क का क्वेश्चन आता है, कभी कभी तीन मार्क का भी अगर आ जाए। अब वो चार मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है देखो,
बोर्ड के अकॉर्डिंग रिएक्शन लिखा बेटा, इसका मिलता है आपको हाफ मार्क्स। काइनेटिक स्टडी लिखा, इसका मिलता है आपको हाफ मार्क्स। मैकेनिज्म का मिलता है अपने को 2 मार्क्स। और एक डायग्राम करना पड़ता है ईपीडी, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ये होता है 1 मार्क। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द वर्ड बोर्ड एग्जाम। कि अगर आपको क्वेश्चन पूछे SN2 मैकेनिज्म एक्सप्लेन करो, तो ये पूरे पॉइंट्स लिखने होते हैं और इसे आपको मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन आया SN1 मैकेनिज्म एक्सप्लेन करो, तो भी आपको यही पॉइंट लिखने है और आपका दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। इसको आप पेंसिल से लिख सकते हो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, रिएक्शन, काइनेटिक स्टडी, मैकेनिज्म, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। रख कर दे इसको। योगी ऑन किए डन बेटा। चलो अब हम इन दोनों में से पहले एक फर्स्ट वाला करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आता है उसको लिख लो, क्वेश्चन टाइप में लिख लो कैसे पूछता है इसके बेस पे, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एक्सप्लेन SN2 मैकेनिज्म। SN2 कैसे लिखोगे वो देख लो, ऊपर रहेगा जैसे स्क्वायर लिखते हो। एक्सप्लेन SN2 मैकेनिज्म। अच्छा ये तो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन हुआ, ये तो देखते ही समझ में आ जाता है SN2 आ गया, बट इसी को दूसरे फॉर्मेट में कैसे पूछा जा सकता है। देखो SN2 किसको प्रेफरेंस देता है, टर्शियरी को या प्राइमरी को? प्राइमरी और मिथाइल हैलाइड। तो अगर किसी मिथाइल हैलाइड का मैकेनिज्म पूछ रहा है तो समझ जाओ दिस इज द SN2 मैकेनिज्म। तो और करके दूसरा क्वेश्चन लिखो, और SN2 ना पूछेगा तो क्या पूछेगा वो समझो। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। आप KOH के साथ रिएक्शन करते हो बेटा, वो वाटर सोल्यूशन है, KOH अल्कली है, तो उसको हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ही बोलते हैं। तो एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी के बाद क्या बोला? प्रोफाइल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। डन? यस। तो मैं SN2 करना है बेटा, तो दोनों फॉर्मेट में अगर आए तो समझ जाओ होता क्या। बच्चों को जिसको नहीं मालूम रहेगा वो SN2 याद करके जाते हैं, और क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, लिख के नहीं आएंगे, बोलेंगे SN2 तो आया ही नहीं था। तो ये समझ के रखो बेटा कि मिथाइल ब्रोमाइड पूछा, समझ जाओ दिस इज द SN2 मैकेनिज्म। सेम फॉर्मेट दोनों के लिए लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है बोलो, जब भी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है, मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स लिख के दिया, सबसे पहले क्या लिखना है?
रिएक्शन रिएक्शन चलिए रिएक्शन लिखना है किसका रिएक्शन लिखना है देखो मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br प्लस इसका हाइड्रोलिसिस करना है अल्कलाइन तो वाटर सॉल्यूशन हमारे पास एक रिएक्शन हमने किया है इसको एक्वस KOH इसमें क्या बेटा CH3 पे क्या होता है प्लस Br माइनस OH माइनस K प्लस यू नो स्टूडेंट In this reaction, bromide is replaced by OH group. तो मिलता है आपको methyl alcohol plus byproduct KBr, potassium bromide. Naming करना के लिख लो, this is methyl bromide, this is your methyl alcohol. डन रिएक्शन पार्ट डन सर चलो रिएक्शन के बाद क्या था सेकंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट है काइनेटिक स्टडी आपने 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग बेटा आप पेपर वन में आप काइनेटिक्स करके एक चैप्टर पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स वहां पे क्या हुआ बेटा एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है जो कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है वो न्यूक्लियोफाइल को चेंज करने के भी साथ होता है और सबस्ट्रेट ये सबस्ट्रेट के साथ भी होता है मींस जो रेट होता है बेटा वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ तो काइनेटिक स्टडी में स्टेटमेंट लिख लो एक्सपेरिमेंटली इट वॉज ऑब्जर्व दैट Experimentally, it was observed that rate of above reaction, rate of above reaction is directly proportional to is directly proportional to concentration of substrate and nucleophile सबस्ट्रेट मतलब जो रिएक्टेंट है मिथाइल ब्रोमाइड और न्यूक्लियोफाइल मतलब OH दोनों के ऊपर डिपेंड करता है बेटा दोनों के कंसंट्रेशन के तो उसको एज ए मैथमेटिकली ऐसे लिखोगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट क्या बेटा आपका मिथाइल ब्रोमाइड यू नो कंसंट्रेशन हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या बेटा आपका OH माइनस तो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा रेट इक्वल टू के सी एच थ्री बी आर ओ एच माइनस Where K is a rate constant. अब इससे होता क्या बेटा एक काइनेटिक्स में एक टॉपिक है ऑर्डर ऑर्डर कैसे निकालते हैं तो ऑर्डर इज व्हाट
some are the power of the word term in rate law equation. तो जो भी कंसंट्रेशन के ऊपर पावर उनके पावर को ऐड करोगे तो आपको ऑर्डर मिलता है. तो यहाँ पे देखो ऑर्डर कितना है, इसका कंसंट्रेशन का पावर वन, OH का कितना है वन, तो कितना मिलता है टू. मीन्स हम बोल सकते हैं इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है टू. तो लिख लो दस रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. डन बेटा. दोनों पॉइंट लिख के सबका हो गया रिएक्शन एंड काइनेटिक स्टडी. यस सर. नाउ मैकेनिज्म. बोलिए बेटा इसका मैकेनिज्म कितने स्टेप में है. वन स्टेप. तो मैकेनिज्म में पहले लिख सकते हो इट इज वन स्टेप मैकेनिज्म. वन स्टेप मैकेनिज्म. चलिए अभी कुछ भी आप लिखना मत इसके बाद, क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी है रिएक्शन भी है. तो पहले मैं आपको पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर लूं, उसके बाद ही आप कुछ लिखना. प्लीज डोंट राइट एनीथिंग. तो मैकेनिज्म देखो है क्या, मिथाइल ब्रोमाइड है, CH3Br. आपको मालूम है बेटा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जो बोल्ड लाइन है इट इज मींस अबव द प्लेन, ये जो डॉटेड लाइन है इसका मीनिंग होता है इट इज बिलो द प्लेन. तो दिस इज स्टूडेंट मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड. कैन यू टेल मी स्टूडेंट, मिथाइल ब्रोमाइड में चार टाइप के बॉन्ड है, अरे दो टाइप के, कार्बन H बॉन्ड और एक कार्बन Br बॉन्ड. इसमें से कौन सा बॉन्ड पोलार बॉन्ड है? Br. कार्बन Br बॉन्ड पोलार है. पोलार क्यों है भाई? क्योंकि इस पे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव दो डिफरेंट चार्ज आ रहे हैं. वो चार्ज क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ब्रोमाइड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. इसके लिए ब्रोमाइड पे आ जाता है पार्शियल निगेटिव चार्ज और कार्बन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. यहां तक सबको समझा? हेलो. यस सर. यस सर. अब मिथाइल ब्रोमाइड क्या है बेटा? ये प्राइमरी कार्बोकेटायन से भी नीचे ना, सुपर प्राइमरी कार्बोकेटायन है. तो दिस इज द, अगर Br माइनस हो गया और ये सी प्लस हो गया, ये तो मिथाइल कार्बोकेटायन है. और मिथाइल कार्बोकेटायन क्या आता है? लेस स्टेबल, लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन. इसके लिए दो स्टेप में नहीं होता है, पहले कार्बोकेटायन यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे दोनों एक साथ होगा
कार्बन ब्रोमाइड का ब्रेकिंग अप बॉन्ड, और उसके बाद OH जो KOH का वो अटैक करेगा। तो कैन यू टेल मी जो OH ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, ये कार्बन पे अटैक करेगा कि ब्रोमाइड पे? कार्बन पे। कार्बन पॉजिटिव है। अब दो चीज और, फ्रंट साइड से अटैक करेगा कि बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसमें फ्रंट बिहाइंड और प्लेन यही दो चीज है। तो बोलो फ्रंट पे अटैक करेगा कि बैक साइड से अटैक करेगा? बैक साइड से। यस, फ्रंट साइड से जब आप अटैक करोगे तो OH भी निगेटिव है, Br भी निगेटिव है, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। तो ड्यू टू अवॉइड द रिपल्सन, ये जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा OH माइनस, दे विल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन फ्रॉम बैक साइड, बैक साइड अटैक। तो यहां पे एक एक्सप्लेनेशन हमें लिखना होता है बैक साइड, क्योंकि मैकेनिज्म जो होता है बेटा दो मार्क का होता है, तो मैकेनिज्म वन स्टेप का ही है, तो मैकेनिज्म का वन मार्क और एक्सप्लेनेशन जो हम लिखते हैं उसका वन मार्क मिलता है आपको। तो बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब देखो इसमें आप लिखते क्या हो, ये सब मैं लिखा रहा हूं, वेट पहले आप समझ लो पूरा अच्छे से क्या लिखोगे पूरा। अभी जो आपने ये सब किया यही आप लिखना है इधर, आपको क्या लिखोगे? इन मिथाइल ब्रोमाइड कार्बन बी आर बॉन्ड इज द पोलर बॉन्ड, रीजन आपको मालूम है बिकॉज ब्रोमाइड इज अ मोल टू निगेटिव। फिर आप बोलते हो ड्यू टू अवॉइड द रिपल्शन न्यूक्लियोफाइल जो होगा इट विल अटैक फ्रॉम द व्हाट, फ्रॉम बैक साइड ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों? क्योंकि पॉजिटिव कार्बन। अब इसके बाद होता है क्या बेटा, नाउ देन this step is very slow step, इसके लिए इसको इस step को बोलते हैं बेटा RDS। RDS मतलब rate determining step, जिसका आप रेट निकाल पाते हो, क्योंकि स्लो रहेगा तभी निकाल पाओगे, तो दैट इज कॉल्ड एज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो बेटा रिएक्शन बिफोर गिविंग द प्रोडक्ट, रिएक्शन रीच इनटू व्हाट, ट्रांजिशन स्टेज। रिएक्शन कहां पहुंचता है? ट्रांजिशन स्टेज में। और उस ट्रांजिशन स्टेज में बेटा क्या होता है देखो, एट दिस ट्रांजिशन स्टेज this carbon is partially bonded to bromide and OH, partially bonded क्यों? क्योंकि धीरे धीरे bond weak हो रहा है और ये bond जो रहा है stronger हो रहा है, क्योंकि इस step में breaking और attacking दोनों एक साथ हो रहा है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हियर। और बाकी का एज इट इज, ये जो आपका एच है, फिर यहां पे आपका एच थिक लाइन वाला जो फ्रंट वाले पे बेटा, और इधर आपका बिहाइंड द प्लेन। ट्रांजिशन स्टेज में क्या लिखते हो? एट दिस ट्रांजिशन स्टेज बोथ न्यूक्लियोफाइल ब्रोमाइड एंड ओएच पार्शियली अटैच टू कार्बन।
नहीं। इसके बाद क्या लिखते हो? एट दिस स्टेज ब्रेकिंग ऑफ कार्बन बी आर बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ओ एच बॉन्ड साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ होते हैं। लाइन इंपॉर्टेंट, यही लाइन हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। यस, इसमें पांच बॉन्ड दिख रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज द अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेज जो होता है अनस्टेबल। ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, इसके आगे हम पढ़ रहे हैं। नाउ इज वेरी फास्ट रिएक्शन। अब होता है क्या बेटा, बैक साइड से अटैक जब किया है तो OH ओनली बैक साइड में बनेगा, ये आपका CH, और इधर क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हो गया, ब्रोमाइड क्या हो गया बेटा, बाहर चला गया, उसको हम बोलते हैं लीविंग न्यूक्लियोफाइल, जो छोड़ के बाहर हो गया, लीविंग न्यूक्लियोफाइल। अब OH बैक साइड से अटैक किया तो बेटा बैक साइड पे OH दिखाओगे। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, जब ये अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल तो इसका जो बॉन्ड पोजीशन होता है बेटा इट विल चेंज। अब बॉन्ड पोजीशन चेंज मतलब जो अबव प्लेन के होता था वो बिलो हो जाएगा, और जो बिलो द प्लेन था वो क्या हो जाएगा, अबव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कैसे दिखाएंगे, हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि थिक लाइन जो था वो राइट में था, और ये जो वेज वाला है दैट इज व्हाट लेफ्ट में है, तो हम क्या करेंगे इसको लेफ्ट में रख देंगे। और डॉटेड लाइन को हम उसके राइट में रख देंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है बेटा कि पोजीशन जो हो रहा है वो चेंज हो गया, मतलब अबव द बिकम बिलो एंड बिलो द प्लेन बिकम अबव। जो बॉन्ड पोजीशन अगर चेंज हो जाता है बेटा तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब चेंज, और एक ही साइड पे प्रोडक्ट बना है इसके लिए इसको हम बोलते हैं 100% इन्वर्जन configuration of methyl alcohol। ये दो स्टेप में हुआ, सॉरी एक्सप्लेनेशन दो बार आएगा, एक बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और दूसरा एक्सप्लेनेशन आएगा फॉर्मेशन ऑफ 100% इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। चलिए अभी मैकेनिज्म एक बार मैं और आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, अगर आप खुद से लिख पाओगे तो खुद से लिखो। देखो क्या है मैकेनिज्म, पहले बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में क्या लिखोगे, इन मिथाइल ब्रोमाइड कार्बन बी आर बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड, एज ए रिजल्ट कार्बन गेट्स पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमाइड गेट्स निगेटिव चार्ज। Then due to avoid the repulsion, nucleophile OH minus attack from the backside on positive carbon. This step is the slow mechanism. Before giving the product, reaction reach to transition stage, जहाँ पे energy maximum होती है, क्योंकि ये unstable है, पांच वैलेंसी है। देखो एट दिस स्टेज बोथ न्यूक्लियोफाइल बी आर एंड ओ एच माइनस आर पार्शियली बॉन्डेड
And at this stage, breaking up carbon BR bond and forming sleep. And it is fast step and give the word 100% inversion configuration of methyl alcohol. तो हाफ ऑफ मार्क का दोनों रहेगा, खुद से लिख लोगे एक्सप्लेनेशन यस रीता कृतिका यस सर रीता हो जाएगा खुद से बेटा एक्सप्लेनेशन हाँ सर डाल के तीन तीन लाइन छोड़ दो एक्सप्लेनेशन का ये भी हेडिंग डाल के तीन लाइन एक्सप्लेनेशन छोड़ो और फिर इसको लिख डालो पूरा ये पूरा लिख डालो बिल्कुल तो मैकेनिज्म में इट इज वन स्टेप बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल तीन लाइन स्पेस छोड़ दो फिर फॉर्मेशन ऑफ 100% इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए भी तीन लाइन छोड़ दो फिर एक पूरा मैकेनिज्म लिख दो चलिए कंप्लीट करिए जयस लिख के हो जाएगा खुद से गुड गुड बल रहा चल चलिए कंप्लीट कर लो इसको पहले याद रखना ये लाइन बोलना इंपॉर्टेंट है एक लाइन तो हमेशा याद रखना कि ये लाइन मिलना ही चाहिए ट्रांजिशन वाले में कि एट दिस स्टेज ब्रेकिंग ऑफ कार्बन बीआर बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ओएच बॉन्ड साइमल्टेनियसली ये लाइन हम ढूंढते हैं कि एक्सप्लेनेशन में मिलना चाहिए स्टेज पे ब्रेकिंग और अटैकिंग दोनों एक साथ होता है फॉर्मेशन एक साथ होता है RDS means rate determining step. Slow step है ना that's why RDS rate determining step जिसका हम rate निकाल सकते हैं. इसका पूरा बेटा प्रेजेंटेशन अच्छा आना चाहिए ये जितना अच्छा प्रेजेंटेशन करोगे एक्सप्लेनेशन लोगों को रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चे ने अच्छे से बनाया है मतलब एक्सप्लेनेशन भी लिखा होगा करेक्ट ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 221 पे है डन
ड्रॉप कर देना बेटा। अच्छा इसमें अभी टेक्स्ट बुक में एक मिसिंग है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अगर आपको ओनली पूछता एक्सप्लेन द मैकेनिज्म तो यहाँ तक ही काम हो गया, बट अगर बोलता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम तो एक मार्क बढ़ जाएगा आपका। आइदर ये 3 मार्क का पूछेगा अगर ओनली मैकेनिज्म पूछता है तो रिएक्शन काइनेटिक स्टडी मैकेनिज्म, बट विथ ईपीडी पूछ रहा है तो आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी ड्रॉ करना होगा। हो सकता है टेक्स्ट बुक बहुत जल्दी जल्दी प्रिंट किए हुए भूल गए, तो मैं आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बट तभी कर रहा है जब आपको ऐसा पूछे विद द हेल्प ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखिए क्या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। दिस लाइन फॉर बेटा पोटेंशियल एनर्जी वर्टिकल लाइन, दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, या इसको हम लिख सकते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। यहाँ पे आपका आएगा 2 डॉटेड लाइन, 1 फॉर रिएक्टेंट एंड 1 फॉर प्रोडक्ट। यू नो बेटा प्रोडक्ट जब स्टेबल हो जाता है उसका एनर्जी क्या होता है लोवेस्ट हो जाता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कंपेयर करें तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है हायर, तो अपर लाइन फॉर रिएक्टेंट लोअर लाइन फॉर द व्हाट प्रोडक्ट। अब अपने मैकेनिज्म को देखो, सबसे पहले क्या है स्टेप में मिथाइल ब्रोमाइड और केवेज का रिएक्शन है, दिस इज द स्लो स्टेप। एक स्लोप लाइन बनेगा और क्या बनता है बेटा एक ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेज मतलब जिसकी एनर्जी क्या होती है मैक्सिमम। फिर इमीडिएटली क्या देता है इट विल गिव द प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है बेटा आपका मिथाइल ब्रोमाइड प्लस KOH और ये आपका बेटा प्रोडक्ट दैट इज मिथाइल अल्कोहल प्लस ब्रोमाइड। अब यहां पे देखो आगे तो यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ करना है, उसको बोलते हैं एनर्जी एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी का देखो डेफिनेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच ट्रांजिशन स्टेज फ्रॉम रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज एनर्जी एक्टिवेशन। EACT लिखा हूं मैं, एक्टिवेशन एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच ट्रांजिशन स्टेज फ्रॉम रिएक्टेंट। अब इसमें करते हैं बच्चे लोग, अगर ये लाइन ड्रॉ करके प्रोडक्ट तक तब वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि किसके रिएक्टेंट से ट्रांजिशन तक पहुंचने को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरा कुछ नमूने होते हैं इसको ड्रॉइंग करके इसको ऊपर घिस लेके चले जाएंगे, अरे ऊपर ले गए मतलब ये वापस रिएक्टेंट बना दिए, ये लाइन नहीं करना है। यहाँ पे इसको घुमा
This is the product. ये हो गया ट्रांजिशन स्टेज, ये हो गया आपका रिएक्टेंट, ये हो गया आपका प्रोडक्ट. दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस. इसके लिए यहाँ पे जो डेल्टा आई एच होता है बेटा, दैट इज निगेटिव. डन. चलिए कंप्लीट कर लो एनर्जी प्रोफाइल. इसमें एक्सप्लेनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, वन मार्क का ही होता है, तो डायग्राम आपको बनाना पड़ता है. चलिए energy profile diagram for SN2 mechanism. एक करिश्मा पाल तो गांव में है कि मुंबई? गांव में. हाँ, ऐसी खिड़की गांव में ही होती है, बड़ी बड़ी विंडो. ओ, फ्लोर के ऊपर क्या बाड़ उड़ बनाई है क्या? तीर उर ब्लू कलर का. तो भाई किसको किसको SN2 नहीं समझा? इतना तो है विश्वास समझ गया होगा मैक्सिमम को. कोई है जो नहीं समझा? चलिए कोई नहीं है. चलिए फिर SN1 करते हैं. फिर लिखिए एक्सप्लेन, रब कर देना इसको भी. Yes, sir. लिखिए एक्सप्लेन SN1 मैकेनिज्म. कितना टाइम बचा आपके पास? सेवेंटीन मिनट्स. ट्राई करते हैं, जितना होगा होगा. फिर तो इवनिंग में है ना लेक्चर. एक्सप्लेन SN1 मैकेनिज्म और दूसरे फॉर्मेट में लिखो. एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ बोलो भाई इसमें कौन सा एग्जांपल लेंगे, मिथाइल हैलाइड की टर्ड ब्यूटाइल हैलाइड? टर्ड ब्यूटाइल. टर्सरी की प्रेफरेंस देता है. एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड. विद द हेल्प ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. Energy profile diagram. Explain the alkaline hydrolysis of third butyl bromide with the help of energy profile diagram. So, SN1 mechanism. This is the unimolecular nucleophilic substitution. सबसे पहले क्या देखते हैं भाई बोलो? हेलो, सबसे पहला क्या लिखेंगे? रिएक्शन. रिएक्शन और टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड CH3.
This is third butyl bromide. React with again aqueous KOH or NaOH. यहाँ पे भी क्या होता है बेटा, ब्रोमाइड इज रिप्लेस बाय OH ग्रुप, मिलता है आपको CH3OH प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड. यहाँ पे लिख लो थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड और एक थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल. Now, kinetic study. देखो kinetic study में क्या है, experimentally it was observed that, लिख लो, experimentally it was observed that rate of above reaction, rate of above reaction is directly proportional to, is directly proportional to only concentration of, concentration of substrate. Experimentally, it was observed that rate of above reaction is directly proportional to only on concentration of substrate. SUBSTRATE, substrate, not on nucleophile. Nucleophile के concentration पे depend नहीं करता है. Experimentally किया गया होगा, ये change किया होगा तो उसके reaction में फर्क नहीं पड़ा. तो kinetic study, तो rate is directly proportional to concentration of substrate. मतलब क्या है बेटा आपका, थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मतलब ये थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है. SN2 में क्या था, दोनों के ऊपर डिपेंड किया था. अब यहाँ पे देखो ऑर्डर निकालोगे तो एक ही कंसंट्रेशन टर्म है तो एक ही पावर हुआ, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, रेट इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, के कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, वेयर के इज रेट कांस्टेंट. एक ही टर्म इन्वॉल्व हो रहा है बेटा तो पावर एक ही है, तो दस रिएक्शन इज इन फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. SN2 जो था आपका टू ऑर्डर था, सेकेंड ऑर्डर था, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है क्योंकि एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है. चलिए रफ कर ले इसको, यस सर. चलिए अब इसका मैकेनिज्म,
बोलो बेटा कितने स्टेप का होगा? टू स्टेप. यस लिखो. इट इज टू स्टेप मैकेनिज्म. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? कार्बन ब्रोमाइड ब्रेक होगा और आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा, सॉरी कार्बोकेटायन बनेगा. तो स्टेप वन का नाम लिखो. स्टेप वन इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. कार्बोकेटायन का नाम क्या है? टर्ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, क्योंकि स्टेबल है तो पहले ब्रेक होके कार्बोकेटायन देगा. रिएक्शन समझो. CH3 आपका इधर ब्रोमाइड बॉन्ड ऑन द प्लेन और अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन. दिस इज स्टूडेंट टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड. नाउ स्टूडेंट दिस इज द स्लो स्टेप. Breaking is always slow step. Char bond is a polar bond. As a result, bromide will share the electron pair towards itself. Carbon is positive. But यहाँ पे जो carbocation बनेगा बेटा वो tertiary है. और tertiary carbocation क्या होता है? Stable. तो आपको पहले step में carbocation बन जाता है. और carbocation का जो hybridization होता है बेटा वो planar. मतलब इनका शेप जो होता है वो प्लेनार. प्लेनार मतलब क्या? कोई भी अबव द प्लेन नहीं, कोई बिलो द प्लेन नहीं. ए आपने 120 डिग्री पे रहते हैं बेटा. आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो. तो ये प्लेनार स्ट्रक्चर. CH3 दिस इज द पॉजिटिव N plus bromide बाहर हो गया. तो दिस इज कॉल्ड एज टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकेटायन. अब इसमें क्या होता है? अगर देखोगे तो ये भी पहले ट्रांजिशन स्टेज में जाएगा जहां पे पार्शियली बॉन्ड रहेगा और बाद में ब्रेक होके क्या दे देगा? कार्बोकेटायन. ट्रांजिशन स्टेज में देखा जाए तो अब जाएंगे, बट आपके बुक में नहीं दिया है. दैट्स वाई आई एम राइटिंग ओनली डायरेक्टली कार्बोकेटायन. तो स्टेप वन सबको क्लियर हो गया. पहले कार्बोकेटायन बन गया. हेलो. यस सर. अब नाउ स्टेप टू. अब स्टेप टू में या तो लिखो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये लिखो, या तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिखो. यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा आप दोनों साइड में प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अबव और कोई फ्रंट पे और कोई बिहाइंड नहीं है. न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है तो दोनों साइड बनता है 50-50%. तो फॉर्मेशन ऑफ 50% इन्वर्जन. इन्वर्जन मतलब जिसका बॉन्ड पोजीशन चेंज होता हो. एंड 50% रिटेंशन. रिटेंशन मतलब एज इट इज रिटेन करता हो बॉन्ड पोजीशन एज इट इज हो. अब आपका अब ही रहेगा, बेलो का बेलो ही रहेगा. तो 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन. कॉन्फिगरेशन of tert butyl
alcohol. चलिए अभी देखते हैं इसका रिएक्शन. टर्ड ब्यूटाइल कार्बोक्सिलेट है बेटा. CH3+ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो होगा बेटा दोनों साइड से अटैक कर सकता है, तो दैट्स व्हाई आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा. OH- can be attacked from front side. OH- can be attacked from back side also. देखो बेटा अगर front side से attack करता है, front side attack. तो OH जो होगा फ्रंट पे आएगा, CH3 OH जो होगा बेटा फ्रंट पे होगा. जब ये फ्रंट पे होगा तो वहां पे बॉन्ड पोजीशन चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहेगा. मतलब आपका थिक वाला राइट में एंड डॉटेड वाला जो रहेगा बेटा आपका लेफ्ट में, उनके पोजीशन में चेंजेस नहीं होगा. ये होता है इन्वर्जन. अगर बैक साइड से अटैक किया है बैक साइड अटैक, तो इसमें क्या होता है बेटा पोजीशन चेंज हो जाता है. SN2 में आपने किया है, CH3 बैक साइड में वो अटैक किया, ए बॉन्ड पोजीशन बिकम चेंज. तो थिक वाला जो है उसके लेफ्ट में रखो और वाईफाई जैसे दिख रहा है उसको राइट में रखो. अंडरस्टूड? हेलो. Yes, sir. चलो कंप्लीट कर लो. ये जो प्रोडक्ट बना है बेटा इसको आप लिखोगे 50% रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल. इसको लिखोगे 50% इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल. चलिए कंप्लीट कर लो फटाफट. सर फ्रंट साइड से रिपल्शन नहीं होगा क्या? फ्रंट साइड से यहाँ पे रिपल्शन कैसे होगा, क्योंकि ब्रोमाइड तो पहले ही बाहर चला गया ना, बस कार्बोकेटायन बचा है. इसीलिए तो दो स्टेप में हो रहा है, वहां पे एक ही स्टेप में होता था तो ब्रोमाइड लगा रहता था तो टूटा नहीं था, अभी यहाँ पे टूट के बाहर हो गया है. गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे रिपल्शन करने के लिए कुछ नहीं है, हम दोनों साइड से कर सकते हैं फ्रंट एज वेल एज बैक. ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 222 पे है. डन बेटा. यस सर. यस सर. इधर इसके नीचे क्या लिखा बताओ, फ्रंट वाले के नीचे जो प्रोडक्ट उसके नीचे आपने क्या लिखा? क्या लिखा कृतिका? फिफ्टी परसेंट
रिटेंशन रिटेंशन बैक रिटेंशन आगे भी 80% रिटेंशन कॉन्फिगरेशन ऑफ टॉट ब्यूटाइल अल्कोहल हां कॉन्फिगरेशन रीता 50% इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन ऑफ टॉट ब्यूटाइल अल्कोहल वेरी गुड बलराज हो गया बलराज जयेश यस सर हो गया चलो ठीक है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बेटा हम इवनिंग में लेंगे चलिए बाय 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 सर बाय बेटा बाय सर बाय सर